ion concentration across the membrane and the potential generated. It was first done by the first actually theoretical work was done by Gibbs, then Don and he showed it experimentally. So the effect of impermeable ions to the distribution of permeable ions. Okay, impermeable ion kya ho raha hai, proteins jo hai kya effect kar rahe, it is causing the redistribution of diffusible ions. जो दूसरा जो डिफ्यूजिबल आयंस है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर ये प्रोटीन नहीं होता तो क्या होगा, दोनों साइड में बराबर ही होता है एक तरह का. ओके, सो दिस इज कॉजिंग द दिस इफेक्ट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दिस इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज स्मॉल आयंस दैट इज द डिफ्यूजिबल आयंस. And that is creating this potential. We have this seen that there is a rule regarding this Gibbs-Donnan. Gibbs-Donnan, he gave three rules, and that what he told that at equilibrium, redistribution होने के बाद equilibrium जो होगा, what it will satisfy? It will satisfy that the total number of cations on each compartment, ICF compartment or ECF compartment. दोनों साइड में क्या होगा, जो cation और anion का जो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी सेम. ओके, टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑन द सेम साइड विल सेम परमेबल मेम्ब्रेन विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड. ठीक है, सो इट विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड. दैट इज अगर आईसीएफ में सिक्स कैटायन है तो सिक्स एनायन होगा. ओके, लाइक दैट. सो इट विल बी इक्वल, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन बोथ द साइड इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज. हालांकि डिफरेंस है दोनों साइड में, स्टिल इट विल बी equal cation and anion on one side will be equal and on the side. And we have also discussed that those side which is having this non diffusible ion, that is proteins or phosphates, they will attract more cations kyunki wo khud negative charge hote hai na. Proteins kya hote hai, negatively charged, anions hote hai, so it will attract more positive charge towards it. Jaise protein aayega it will cause redistribution. Okay, and what will happen that it will attract more cations and lesser anions, isn't it? So on that side which is having these non diffusible anions like proteins, the concentration of cations will be more or less, cations will be more and anions will be less, isn't it? So on the side containing the protein anions, the number of diffusible anion will be less. क्योंकि ये खुद अनायन है, सो इट विल हैव क्या होगा, रिपेल करेगा, सो इट विल हैव लेस अनायन प्रेजेंट ऑन दैट साइड, व्हाइल द कैटायन विल बी मोर ऑन दैट साइड विच इज हैविंग द प्रोटीन साइड, प्रोटीन साइड यू कैन से. ओके, एंड व्हाट विल हैपन इफ इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायन, सो व्हाट विल हैपन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन दैट साइड विल बी मोर, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा साइड में प्रोटीन होगा. ओके, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, द ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, इजंट इट? सो व्हाट विल हैपन, द दैट प्रेशर, अगर जिस साइड में प्रेशर सोल्यूट ज्यादा हो जाते हैं, व्हाट हैपन, वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं, इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर थ्रू द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस. सो व्हाट विल हैपन अगर ये इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसी तरह हो जाए, रह जाए. ओके, व्हाट विल हैपन दैट the osmotic pressure on the side containing protein will be more, and what will happen, it will osmosis will swell that cell. Wo cell kya hoga, swelling ho jayega, and ultimately this cell may rupture ho jayega, but the cell does not rupture actually. What happens, it is counteracted, jo extra jo aapko solutes jo ye le lete hai, chahe cation ya anion jo le rahi hai, redistribute karke apne taraf attract kar rahi hai, तो एक्स्ट्रा कैटायंस इटैक्ट. सो व्हाट हैपेंस दैट इफ ये अगर इस तरह से रहने दिया जाए तो क्या होगा, ऑस्मोसिस विल हैपन एंड द सेल विल स्वेल अप एंड साइटोलाइसिस विल अकर, बट दैट डज नॉट एक्चुअली हैपन. व्हाट हैपेंस दैट द थ्रू द सोडियम पोटेशियम एटीपेज फॉर्म, जो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट्स आ गए हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स आ गए थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, इट इज पम्प बैक, है ना, सोडियम वापस चला जाता है, फ्री सोडियम, इजंट इट? सो in this way it is maintained. So this sodium potassium pump is important in maintaining the this
दिस एक्चुअली पोलैरिटी, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस, ये भी आपको दिखाया था लास्ट टाइम में, 10 सोडियम दिस साइड एंड 10 क्लोराइड, कटायन एंड अनायन इज इक्वल। इस साइड में क्या, कटायन अनायन इक्वल है। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एंड कटायन विल बी मोर ऑन दिस साइड देन द अनायन। दोनों आएंगे, कटायन और अनायन दोनों आएंगे, बट कटायन विल बी मोर ऑन दिस साइड। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, सपोज 4 cations and 4 anions has redistributed gone this side inside, so it is left with 6 cation and 6 anion, theek hai, still it is same on both the side, isn't it? Idhar kya hai, 9 anion ho gaya, idhar 5 idhar shift hua hai, and then 4 chloride has been shifted to this side and 5 already protein, so ultimately 9 cation and 9 anion is there. So at equilibrium also, it is maintaining this cations and anions on each side. So what this rule tells us about, that at equilibrium both sides will be electrically neutral. You can see 6 cation and 6 anion this side, and 9 cation and 9 anion. You can see here 9 cation, 9 anion, 6 cation, 6 anion, A and B side. So it is electrically neutral. That is, number of cation and anion on the same side of semi-permeable membrane is equal, isn't it? Though the concentration is not same, concentration same नहीं है, फिर भी क्या है, electrically neutral है, isn't it? Though the cell is permeable, still permeable, cell अभी भी permeable है, but because concentration और electrical forces होते हैं, एक concentration gradient होते हैं, एक electrical gradient होते हैं, ये जहां पे ये बैलेंस हो जाएगा, एट दैट पॉइंट इट विल स्टॉप। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, एंड द नेक्स्ट रूल वी हैव डिस्कस दैट इन द कंपार्टमेंट कंटेनिंग द प्रोटीन दिस साइड व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ डिफ्यूजिबल अनायन आर लेस, अनायन विल बी लेस, क्योंकि प्रोटीन इटसेल्फ इज अनायन, है ना, तो प्रोटीन की तरफ क्या होगा, अनायन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा रिडिस्ट्रीब्यूश होने के बाद, ठीक है, एंड कटायन कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर देन द अनायन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। सो यू कैन सी हियर डिफ्यूजिबल अनायन ऑन ए साइड, स्टिल इट इज 6 क्लोराइड कैन सी हियर एंड 6 ऑन ए साइड एंड दिस बी दैट इज दिस बी साइड दैट इज 4 क्लोराइड यू कैन सी हियर and 6 cation 6 anion, isn't it, and this is 9 cation here and this is 9 anion, theek hai, so but it is having more of anions, you can see 9 cation hai isme, cation zyada hai is side mein aur anion kam hai, so this is the, and the third rule is that the टोटल कॉन्सेंट्रेशन, इधर का सारे का अगर हम चार्ज जोड़ेंगे तो इस साइड में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इजंट इट, सो द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट चार्जेस इज ग्रेटर इन ऑन द प्रोटीन साइड, यू कैन ऐड अप ऑल दीज चार्जेस 9, 4, 13, 5, 18, इट इज 18 ऑन दिस साइड वाइल इट इज 6, 6, 12 ऑन दिस साइड, सो इट इज मोर ऑस्मोटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इधर ज्यादा रहेगा, इजंट इट, पोलैरिटी इज मोर हेयर, सॉलिडिटी इज मोर हेयर, एंड यू कैन सी हेयर द डिफ्यूजिबल आयन, डिफ्यूजिबल आयन इधर कितना है, 12 है एंड इट इज 13, इजंट इट, सो दिस वॉज द रूल, देन इक्वेशन गिव्स डॉन एन इक्वेशन, क्या कहते हैं, दैट व्हेन बोथ द सोडियम क्लोराइड हैव रीच्ड द इक्विलिब्रियम, एट दिस पॉइंट देयर इज इलेक्ट्रिकल और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंचा हुआ, सो दिस रूल टेल्स दैट दिस इक्वेशन दैट सोडियम ऑन ए साइड डिवाइडेड बाय सोडियम ऑन बी साइड विल बी इक्वल टू क्लोराइड ऑन बी साइड अपॉन क्लोराइड ऑन ए साइड, दिस इज कॉल्ड गिब्स डॉनन रेशियो, इसको रेशियो कहते हैं, है ना, तो क्लोराइड का क्या होता है, आउटसाइड टू इनसाइड, क्लोराइड यू कैन सी बी और ए,
ठीक है। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, सोडियम ऑन ए साइड मल्टीप्लाइड बाई क्लोराइड ऑन ए साइड, दैट विल इक्वल टू सोडियम ऑन बी साइड एंड क्लोराइड ऑन बी साइड, सो यू कैन एड इट अप, इट विल कम आउट टू 36, isn't it? So this is called Gibbs-Donnan equation, है ना, इसको equation कहते हैं। So the flux of ions to the compartment B, compartment B में क्या हो रहे हैं, ions ज्यादा हो रहे हैं, solute ज्यादा हो रहे हैं, due to the effect of protein, the osmotic effects is increasing, so the living cells have many macromolecules, so that thing we have discussed that the cell may undergo cytolysis, है ना, क्या होगा, सेल रप्चर हो सकता है स्वेलिंग के चलते, सो व्हाट हैपेंड दैट देयर इज अ सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच इज ऑल द टाइम वर्किंग टू मेंटेन दैट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट सोडियम सोल्यूट को क्या वापस ईसी में बेच, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द एक और क्या पॉइंट था, दैट इज लेवन्स पोटेंशियल और लेवन्स इक्वेशन, व्हाट इज दिस इक्वेशन अबाउट, सो यू नो दैट what happened that in the, according to the Gibbs-Donnan equilibrium we have discussed that asymmetrical distribution of diffusible ions, due to this equation there is asymmetrical distribution of ions across the membrane with more cation inside, cation andar mein jata tha, it may be sodium or potassium, hai na, wahan pe maine sodium chloride ke liye tha, it will take in potassium chloride, so with more potassium more cation inside present inside due to that effect, किस डॉनन इफेक्ट के चलते क्या हुआ, कैटायन अंदर में ज्यादा आ गए, है ना, सो व्हाट विल हैपन व्हेन कैटायन विल बी मोर इनसाइड, इट विल ट्राई टू डिफ्यूज आउट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है अंदर, सो इट विल ट्राई टू डिफ्यूज आउट इनटू द ईसीएफ एंड दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो क्या हुआ किस डॉनन इफेक्ट के चलते अंदर में क्या हो गया, कैटायन ज्यादा आ गए, सो इट विल ट्राई टू डिफ्यूज आउट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, बट इट इज अपोज बाय द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या हुआ, दिस अनायनिक प्रोटीन, है ना, निगेटिव चार्ज होते हैं वो अपने तरफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ शिफ्ट करता है ना, इलेक्ट्रिकल किधर मूव करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, सो दैट विल बी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विल बी टूवर्ड्स द इन साइड टूवर्ड्स द प्रोटीन साइड, सो दोनों का बैलेंस डिपेंड कि किस साइड में ये जाएगा, ओके, so that is opposed by the electrical gradient which is created by the presence of non diffusible proteins or anions inside the cell, you can see here this is the potassium which is more inside, hai na, cations andar mein zyada ho gaye, so concentration gradient is towards the outside bahar ki taraf hoga, but this anion ye non diffusible hai, these are the proteins, these are non diffusible, so it is creating electrical फोर्स टूवर्ड्स इन साइड, इलेक्ट्रिकल पुल अंदर की तरफ हो रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन पुल बाहर की तरफ हो रहे हैं, सो ये क्या होगा, जिधर ज्यादा बैलेंस होगा उधर की तरफ होगा, सो इनिशियली व्हाट हैपेंस, पोटेशियम का ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो बाहर की तरफ जाता है, सो एट ए टाइम एक टाइम रीच होता है जहां पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, इट विल मोर क्लियर लेटर, वी विल डिस्कस दिस मोर इन डिटेल, दस फाइनली एंड इक्विलिब्रियम इज रीच बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट एंड दैट रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन पोटेंशियल, उसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहते हैं, जहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एंड दैट इज बेसिकली द नॉन्स पोटेंशियल, उसी को हम नॉन्स पोटेंशियल कहते हैं, द डिग्री ऑफ दिस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाई नॉन्स इक्वेशन, इक्वेशन क्या होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे जस्ट डायग्रामेटिक व्यू हियर टू अंडरस्टैंड दिस concept how the resting moment potential is getting generated there, you know, like minus 70 or minus 90, how this is getting generated, what happens that you know the life actually originated from sea, it has been told that, and you know every cell is trying to maintain the sodium content outside more, isme kya hota hai sodium jyada hota hai, so when a cell is there, so it tries to drive the sodium outside, isn't it, and every cell is having the gene, and that gene when it is activated
है ना, एक जीन अगर सपोज दैट एक जीन है एंड इट इज बीइंग व्हेन इट इज एक्टिवेटेड इट सिंथेसाइज सम प्रोटीन, ओके एक प्रोटीन बनाता है एंड दैट प्रोटीन मे गेट स्टक ओवर द सेल मेम्ब्रेन, है ना, व्हेन दिस प्रोटीन इज एक्टिवेटेड है ना एंड दिस जीन इज एक्टिवेटेड अ प्रोटीन विल बी फॉर्म एंड दैट विल बी एक्सटेंडेड ओवर द सेल मेम्ब्रेन एंड सपोज दिस इज दिस जीन इज सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप, सो इट इज सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन एंड दैट इज गेटिंग स्टार्टेड ओवर द सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इट इज इट डू व्हाट इट डज इट ट्राइज 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट 3 सोडियम अगर बाहर कर रहे हैं 2 पोटेशियम अंदर कर रहे हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. एटीपी इज यूटिलाइज देयर, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था हमने, इजंट इट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द कैटायंस इज गेटिंग मोर आउटसाइड, कैटायन बाहर ज्यादा जा रहे है ना, रिलेटिवली अगर सपोज है कि 1000 टाइम्स काम करते तो व्हाट विल हैपन, 3000 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर, 2000 पोटेशियम अंदर आएगा, सो रिलेटिवली देयर इज अ लॉस ऑफ कैटायन, कैटायन का लॉस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है, सो इट विल क्रिएट अ नेगेटिविटी इनसाइड, इजंट इट, इट विल क्रिएट अ नेगेटिविटी इनसाइड. सो ये नेगेटिविटी जो क्रिएट करता है, दिस नेगेटिविटी इज ओनली अप टू -5 मिलीवोल्ट, कितना क्रिएट करता है, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, इट गिव्स इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू -4 और -5 मिलीवोल्ट ऑनली, है ना. बट व्हाट इज दैट, अब क्या हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पोटेशियम इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनसाइड द सेल, है ना, और सोडियम बाहर जा रहा है पोटेशियम, यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेल एज अ बैग ऑफ पोटेशियम इन अ सी ऑफ सोडियम, इजंट इट, पोटेशियम अंदर में ज्यादा हो रहा है एंड सोडियम बाहर जा रहा है ज्यादा. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ दिस पोटेंशियल इज गेटिंग अचीव्ड, -5 अभी ये आया था, जनरेट हुआ था ड्यू टू दिस सोडियम पोटेशियम पंप. सपोज दिस सेल एक्टिवेट्स अनदर जीन एंड दिस जीन इट इज सिंथेसाइजिंग पोटेशियम चैनल. नाउ द पोटेशियम चैनल इज गेटिंग स्टक ओवर द सेल मेम्ब्रेन, यहां से प्रोटीन बन रहे एंड दिस जीन इज एक्टिवेटेड एंड दिस चैनल इज गेटिंग स्टक ओवर. सो यू नो द पोटेशियम यहां पे क्या हो रहा था ज्यादा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज गेटिंग एलिवेटेड हेयर ड्यू टू दिस पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के जल्द पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा हो रहा है, सो इट विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज ड्राइविंग टूवर्ड्स द आउटसाइड, इजंट इट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किधर कर रहे हैं, बाहर की तरफ कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन, बट दिस निगेटिव -5 मिलीवोल्ट एंड ऑल्सो सम प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स जो होते हैं निगेटिवली चार्ज, इट इज ट्राइंग टू पुल दिस, द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट किधर की तरफ है, इट इज टूवर्ड इनसाइड, है ना, निगेटिव साइड में होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो बाहर की तरफ है, क्योंकि क्या है पोटेशियम अंदर में ज्यादा हो रहा है ड्यू टू दिस पंप, पोटेशियम इज इनसाइड इट इज मच मोर, तो क्या हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज ड्राइविंग टूवर्ड्स आउटसाइड, बट द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज ऑल्सो अप्लाइड हेयर, है ना, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज विच इज क्रिएटेड. सो दो इट इज अभी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कम है -5 है, सो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मोर देन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. सो व्हाट विल हैपन दैट पोटेशियम विल डिफ्यूज आउट थ्रू दिस लीकी चैनल, ये लीकी चैनल होते हैं पोटेशियम लीकी चैनल, सो पोटेशियम विल डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज करेगा पोटेशियम क्या होगा, दिस निगेटिव पोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, दिस निगेटिव पोलैरिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, इसके चलते क्या हुआ था -5 मिलीवोल्ट डेवलप हुए. अब क्या हुआ पोटेशियम ज्यादा हो गया अंदर, है ना, अब ज्यादा जब हो गया तो क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करेगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज मच मोर, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ये निगेटिव चार्ज के चलते डेवलप हो रहा है, इसके चलते या प्रोटीन के चलते, इजंट इट. सो व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज टूवर्ड्स इनसाइड बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज टूवर्ड्स आउटसाइड, सो किधर की तरफ जाएगा तो इट विल डिपेंड किसका ज्यादा है, नेट फोर्स किसके तरफ ज्यादा है. सो इनिशियली इट इज मच मोर फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा होता है तो पोटेशियम विल डिफ्यूज आउट फास्टली, सो व्हाट विल हैपन, नेगेटिव पोलैरिटी विल इंक्रीज फास्टली,
है ना, इस तरह से क्या होगा, माइनस फाइव से इंक्रीज होकर माइनस टेन चला जाएगा. सो स्टिल द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज हायर देन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. सो वॉट इज हैपनिंग, मोर पोटेशियम विल लीक आउट. अब क्या होगा, माइनस टेन से माइनस फिफ्टीन, माइनस ट्वेंटी फाइव, सो इट विल डिफ्यूज आउट टिल द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज हायर देन द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. कहां पे जाके स्टॉप होगा, जहां पे दोनों बैलेंस कर जाएंगे, है ना. ये निगेटिव पोलैरिटी जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, दोनों एक तरह इक्विलिब्रियम आ जाए, दोनों बैलेंस जब कर लेंगे, वहां पे जाके स्टॉप होगा, इजंट इट. सो दैट इज दैट प्लेस एट विच बोथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. और यहां पे जो डेवलप कर रहा था माइनस फाइव, माइनस टेन, माइनस फिफ्टीन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ ये पोटेशियम के लिए है, सो डिफ्यूजन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्या लीकिंग ऑफ द पोटेशियम के चलते ये डेवलप कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन पोटेंशियल. एंड इक्विलिब्रियम जहां पे रीच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. एंड दिस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व्स पोटेंशियल, भी इसी को कहते हैं, है ना. सो नर्व्स पोटेंशियल इज द सेम एज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. सो द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ये कहां पे जाके इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली माइनस 85 मिलीवोल्ट. सो मोस्ट ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, किससे ज्यादा हो रहे हैं, इससे तो माइनस फाइव ही हुआ, बाकी किससे हुआ, पोटेशियम के डिफ्यूजन से हो रहा है ना, पोटेशियम के लीकिंग से हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द आरएमपी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय लीकिंग ऑफ द पोटेशियम आयन, इजंट इट. सो अप टू माइनस 85 मिलीवोल्ट तक जा रहे है ना. सो दिस इज अबाउट द, जब ये क्या हो रहा है, जब आपका पोटेशियम बाहर जा रहा है ना, जब पोटेशियम बाहर जा रहा है तो ये एक तो इससे भी हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो निगेटिविटी बढ़ रहा है. एंड अलॉन्ग विद यू नो दिस प्रोटीन क्या होते हैं, पोटेशियम के साथ दोनों यूजुअली पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इक्वल रहते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब ज्यादा हो तो क्या होगा, तो पोटेशियम इसको लीव करके जाएगा. सो इट विल लेफ्ट विद द प्रोटीन ओनली एंड आयन ओनली. इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट निगेटिव पोलैरिटी दिस प्रोटीन आयन. सो प्रोटीन क्या होंगे, लेफ्ट बाइंड रह जाएंगे एंड इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस निगेटिव पोलैरिटी इन साइड द सेल. देन कमिंग ऑन टू द सोडियम आयन, दो सोडियम आयन यू नो इट इज मॉडरेटली परमेबल, है ना, हाईली परमेबल तो पोटेशियम के लिए होता है, बट यू नो दिस इज फॉर द सोडियम का परमेबिलिटी कब बढ़ता है, द रेस्टिंग स्टेट में. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेनली प्रोड्यूस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस पोटेशियम आयन, लीकिंग ऑफ द पोटेशियम आयन. बट व्हेन द सेल इज इन एक्टिव स्टेट, एक्शन पोटेंशियल में होता है, वो क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है. आपको बताया था मल्टीपल टाइम्स यू डिस्कस दैट वेन एवर देर इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज कम हो जाता है और पॉजिटिव उतर जाता है, दैट इज टुवर्ड्स द डिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल की तरफ. आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, टेल मी. सो वी विल डिस्कस हाउ दिस इज हैपनिंग. सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम. सपोज this cell, another cell is there, this cell is activating another gene and this gene is synthesizing sodium channels, hai na, ye sodium channels bana raha, suppose that for understanding purpose this is producing the sodium channels. So you know yes, is form ke chalte kya hota, sodium was more outside the cell, hai na, sodium jyada bahar mein the. So the concentration gradient kidhar ki taraf hai, towards the inside or outside, inside. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज टूवर्ड द इन साइड. एंड ऑल्सो यू नो ये माइनस फाइव इसके चलते डेवलप हुआ था, तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी सेम साइड में, इजंट इट. इनिशियली द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज ऑल्सो टूवर्ड द सेम साइड. सो वॉट इज हैपनिंग, द दिस सोडियम विल फ्लक्स इन साइड फास्टली, है ना, दोनों एक साइड में एडअप हो जाएगा तो फास्टली अंदर जाएगा इस चैनल के थ्रू. सो वॉट विल हैपन, जब सोडियम अंदर जाएगा ये माइनस क्या होगा, प्लस की तरफ जाएगा, जीरो पहले होगा. जब जीरो होगा तो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अब क्या हो रहा, ये अपोज करेगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर में डेवलप हो गया तो ये अपोज करेगा इन फ्लक्स को.
सो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज, अब इलेक्ट्रिकल जो फोर्स आ रहा है वो अपोज कर रहा है इसको, है ना, यू कैन सी हियर ये बाहर की तरफ लग रहा है. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज्यादा होगा इट विल फ्लक्स इनसाइड. सो इनिशियली इट इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो उतना स्ट्रांग इनफ नहीं है अभी, इजंट इट, सो इट विल फ्लक्स इनसाइड. सो 0 mV हुआ, देन +10, दोनों ये कब तक जाएगा, कब तक अंदर जाएगा, व्हेन देयर इज, जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा अपोजिंग फोर्सेस, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का जो फोर्स है एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों जब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा वहां पे ये बंद हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम और नर्व्स पोटेंशियल फॉर सोडियम एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली +60 or 60 mV, है ना. तो सोडियम जब इन्फ्लक्स होता है अंदर, आप आगे पढ़ोगे एक्शन पोटेंशियल में, तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं और सोडियम अंदर आ जाते हैं. जब अंदर आते हैं तो क्या होता है, निगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इट ट्राइज टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम, उधर की तरफ जाएगा, ओवरशूट चला जाता है, है ना. नाउ दिस इज टू सेल्स, दिस इज एट द रेस्टिंग स्टेट, आरएमपी है -85 or -90 mV, ये तो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा. एंड व्हेन इट इज एक्टिवेटेड व्हाट विल हैपन, सेल में कन्वर्ट टू दिस सेल, है ना, ये क्या होगा, सोडियम के लिए परमिएबल हो जाएगा, इजंट इट. सो दिस इज एट द रेस्टिंग स्टेट एंड दिस इज एट एक्साइटेबल टिश्यूज में मिलेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जो डेवलप कर रहा होगा. नाउ द नर्व्स इक्वेशन, यू नो ये इक्वेशन है इस तरह से, इट इज रिलेवेंट एक्चुअली, दिस इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं. मैथमेटिकली हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ई दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू आर टी, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 37°C, जेड इज फैराडे कॉन्स्टेंट, ओके, एफ इज फैराडे कॉन्स्टेंट, जेड इज वैलेंसी ऑफ द आयन, ओके, एंड आयन इज इनवर्स लॉग होता है ना, लॉग, नेचुरल लॉग, यस नेचुरल लॉग, ई लॉग जिसको बोलते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, है ना, इनसाइड आउटसाइड. अगर ये निगेटिव आयन के लिए अगर आप कर रहे हो, पॉजिटिव आयन के लिए क्या होगा, ऊपर में इनसाइड ऊपर में होगा, तो इनसाइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड आउटसाइड डाउन डिनोमिनेटर होगा. लेकिन अगर अनायंस के लिए यूज करो जाए लाइक क्लोराइड, जब क्लोराइड के लिए करोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो क्या होगा, ये आउटसाइड ऊपर हो जाएगा और इनसाइड नीचे हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा. एंड इसको जब सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आते हैं, जेड इज वैलेंसी, इन तीनों को जब सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 61.5 mV, ठीक है, एंड लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, ठीक है. सो दिस इज द नर्व्स इक्वेशन एंड दिस आर द वी हैव डिस्कस्ड दैट इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, पोटेंशियल दैट इज द नेचुरल गैस कॉन्स्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वैलेंसी, सोडियम पोटेशियम के लिए 1 है, कैल्शियम के लिए 2 है, क्लोराइड के लिए -1, एफ इज फैराडे कॉन्स्टेंट, ओके. सो दिस नर्व्स इक्वेशन, एक्चुअली दिस इक्वेशन इज पर्टिकुलर सुटेबल फॉर अ सिंगल आयन, जब हम एक आयन की बात करेंगे तो नॉन सिक्वेशन की बात करेंगे, है ना, बट एक्चुअली दैट डज नॉट हैपन, देयर आर अदर आयन्स आल्सो, इजंट इट, दूसरे आयन्स भी होते हैं. सो द नॉन्स पोटेंशियल इज द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एट विच अ पर्टिकुलर आयन मूवमेंट विल स्टॉप, वहां पे क्या हो रहा था नॉन्स पोटेंशियल पे, वहां पे मूवमेंट स्टॉप हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया, सो इट विल स्टॉप इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दैट मेम्ब्रेन इज स्टिल परमिएबल, तो ये परमिएबिलिटी है, still it is not moving, it has reached the equilibrium and it considers a single ion, this is important point, Nernst equation always considers, tells us about a single ion, ek ion ke bare mein bataya, but in reality there are other ions also, uska bhi effect hota hai, hai na,
बट उनका काम कम कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल वी हैव डिस्कस, सोडियम का कितना होता है प्लस 60 मिली वोल्ट और प्लस 65, यू कैन से प्लस में होता है उसका, है ना। पोटेशियम का इट इज माइनस 90 मिली वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द सेल, देन क्लोराइड इज ऑल्सो माइनस 70 मिली वोल्ट। सो नर्व का जो पोटेंशियल होता है, नर्व का जो रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल है, ये किससे क्लोज ज्यादा है, इट इज मोर क्लोजर टू क्लोराइड, है ना। उसका जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है उससे ज्यादा क्लोज होता है नर्व्स का। सो इफ यू टेल, इफ यू टेक द अदर आयन्स ऑल्सो इन कॉन्सिडरेशन, सो द इंटीग्रेटेड रोल ऑफ अदर आयन्स, डिफरेंट आयन्स, एक ही आयन तो है नहीं, दूसरे आयन्स भी हैं। अगर सारे आयन्स को जब लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन हमें लगाना होगा, दैट इज द गोल्डमैन इक्वेशन, GHK इक्वेशन कहते हैं। सो इट इज सीमिंग इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा लग रहा है क्या, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू थिंक, अगर समझ में आ जाएगा, इट इज सो इजी। सो इट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ दैट नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन अलग अलग के लिए लिया था हमने, लाइक ये पोटेशियम के लिए यहां तक ले लिया, है ना। इसमें क्या है, तीन और अदर आयन्स को भी ले रहे, सोडियम क्लोराइड को भी ले रहे। सो एंड दिस इज सेम RT अपॉन ZF, है ना, दिस इज नेचुरल लॉग, दिस इज अनदर, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम, परमिएबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, यही दोनों का है, परमिएबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये इनसाइड आउटसाइड सेम ही है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनसाइड ऊपर रहेगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव पोटेशियम के लिए इनसाइड ऊपर है, आउटसाइड नीचे है, सोडियम के लिए भी इनसाइड ऊपर है पॉजिटिव, क्लोराइड के लिए क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स, आउटसाइड एंड इनसाइड। इज इट क्लियर, सो डोंट कंसीडर इट अ वेरी डिफिकल्ट इक्वेशन, इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दैट नॉन्स इक्वेशन। सो गोल्डमैन इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली जब रेस्टिंग स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में जब होता है, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू नॉन्स इक्वेशन ऑफ पोटेशियम, क्योंकि दूसरे जो आयन होता है उसका बहुत स्मॉलर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेल, है ना। रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे इट टर्न्स आउट टू बी नॉन्स इक्वेशन फॉर पोटेशियम। एंड एक्साइटेड स्टेट में किसके तरफ जाएगा ये गोल्डमैन इक्वेशन, इट विल कन्वर्ट टुवर्ड्स द फॉर सोडियम, इजेंट इट, सोडियम की तरफ जाते हैं, प्लस की तरफ जाते हैं वो, जब एक्शन पोटेंशियल में जाते हैं। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टेल मी प्लीज, है डिफिकल्ट है, जिसको डिफिकल्ट है पूछ सकते हो आदमी, है ना। सो इन एक्साइटेड स्टेट व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा है डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आए, एंड अंडरस्टैंड गोल्डमैन इक्वेशन इज अ टफ क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीजी में आते हैं ज्यादा, यूजी में कम ही आते हैं। इफ इट कम्स इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड देर इज रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप वी हैव डिस्कस, सोडियम बाहर जा रहा है, क्लोराइड अंदर आ रहा है, लेकिन इससे कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है, काफी कम होता है। आपको बताया था 3000 और 2000, इस तरह से बताया आपको, है ना। बट व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर सोडियम इज जब बाहर जाता है, व्हेनेवर सोडियम इज आउटसाइड थ्रू दिस पंप, सम ऑफ द क्लोराइड आर ऑल्सो मूव्स आउट थ्रू दैट, क्लोराइड भी चला जाता है साथ साथ। सो इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाते ये, ओके। सो द RMP ऑफ इंपॉर्टेंट सेल्स यू मस्ट नो, व्हाट इज द रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स, यू नो, माइनस 70 मिली वोल्ट, देन स्केलेटल मसल इट इज माइनस 90, एंड ऑल्सो द कार्डिक मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स, मायोकार्डियम, यू कैन से इट इज ऑल्सो माइनस 90 मिली वोल्ट, देन देर इज SA नोड, इट इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 60, माइनस रेंज में करते हैं, माइनस फ्लक्चुएट करते हैं, माइनस 40 टू माइनस 60 मिली वोल्ट, एंड ऑल्सो स्मूथ मसल्स इट इज वेरिएबल, माइनस 40 टू माइनस 60 मिली वोल्ट, एंड ऑल्सो इन हेयर सेल्स, हेयर सेल्स होते हैं ना, आप ईयर्स में भी होते हैं, यू नो दैट, होते हैं कहाँ पे होते हैं, इंटरनल ईयर में, है मैकली, मैकली पे होते हैं, क्रिस्टी पे होते हैं, देन इजंट इट, आपको बेजिलर मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कार्टी, है वो वहाँ पे पढ़ोगे आप।
So the inner air cells is also having the resting magnetic potential of minus 60 millivolts. Okay? So there are few terms you must know. जब आप इसके resting magnetic potential या आपको बार बार आएगा, पूरा physiology में आएगा, पूरा medical science में आएगा. So you must understand these words. Polarization you know. Polarized state में होता है, every cell is in a polarized state. Resting magnetic potential is itself a polarized state. With negative more inside than the outside. That is polarized. And depolarization क्या हुआ? उल्टा हो गया. है ना? Negativity inside the resting state में. अगर वो पॉजिटिविटी इनसाइड हो जाता है, दैट इज डीपोलराइज, जस्ट रिवर्स हो गया, दैट इज डीपोलराइज, दैट इज डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जीरो की तरफ जा रहा है ना. किसी को समझ नहीं आ रही ये बात. देन हाइपर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बढ़ गया, नेगेटिविटी बढ़ गई, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन. सिंपली कैसे होगा हाइपर पोलराइजेशन? क्लोराइड का अगर इन्फ्लक्स हो गया मे बी, है ना, और पॉजिटिव आयन और ज्यादा चला गया एक्सेस, ठीक है, तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, है ना, हाइपर पोलराइजेशन. देन रीपोलराइजेशन मीन्स ये वापस आ गया, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होगा. जब सेल एक्साइट होगा, अभी रेस्टिंग स्टेट में ने टच करा, क्या हुआ? डीपोलराइज स्टेट में हो गया. जब हमने हटा दिया फिर क्या हो गया? रीपोलराइज हो गया, ना, वापस आ गया वो. दैट इज रीपोलराइज, रिटर्निंग ऑफ द टू द रेस्टिंग मैगनेटिक पोटेंशियल स्टेट. देन देर इज ओवरशूट समटाइम्स. जब डीपोलराइजेशन जाता है ना, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करते हैं. व्हाट हैपेंस दैट ये जीरो से जब ऊपर चला जाता है, उसको हम ओवरशूट कहते हैं. ओवरशूट, इट ट्राइज टू अचीव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम, दैट्स व्हाई देर इज ओवरशूट, इजंट इट? सो देर आर समटाइम्स अ टर्म विल कम, दैट इज ग्रेडेड पोटेंशियल. ये क्या होता है? ग्रेडेड पोटेंशियल इज लोकल पोटेंशियल. व्हाट हैपेंस दैट इफ द स्टिमुलस इज नॉट एनफ, थ्रेशोल्ड लेवल का अगर आपने नहीं दिया, सब थ्रेशोल्ड दिया, है ना, प्रैक्टिकल में भी पढ़ाया था आपको, है ना, अगर सब थ्रेशोल्ड दिया तो रेस्पॉन्स तो नहीं डेवलप आएगा, देखोगे नहीं, बट देर इज विद इन दैट देर इज सम लोकल पोटेंशियल विच इज देयर डेवलप्ड, उसको हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं, है ना. ये क्या होता है? ये वहीं पर डाई आउट हो जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता. ओके, सो व्हाट हैपेंस दैट इट इज शॉर्ट लिव्ड. लोकल चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस ग्रेडेड पोटेंशियल मे बी टुवर्ड्स डीपोलराइजेशन और टुवर्ड्स हाइपर पोलराइजेशन, दोनों चीज है ना. ये क्या होता है? अगर लोकल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, लोकल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दैट इज नॉट एक्शन पोटेंशियल, दैट स्टिमुलस, दैट जो आपने रेस्पॉन्स इज नॉट ट्रेवलिंग, तो आगे प्रोपेगेट नहीं हो रहा है, वो वहीं पर लोकल चेंजेस हो रहे हैं. ओके, सो व्हाट हैपेंस दैट इट मे बी टुवर्ड्स, अगर आपने बार बार स्टिमुलस दिया वहां पे, सो इट मे अचीव टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है ना. तो देर मे बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑल्सो और टुवर्ड्स द निगेटिव साइड ऑल्सो, लोकल पोटेंशियल दोनों तरफ हो सकता है. एक एक्साइटेटरी कहते हैं पोटेंशियल, एक इनहिबिटरी कहते हैं, है ना. सो इट मे बी टुवर्ड्स द डीपोलराइजेशन और टुवर्ड्स द हाइपर पोलराइजेशन. इट मे बोथ द वेज, लोकल पोटेंशियल भी दोनों तरफ होते. सो देयर मैग्नीट्यूड वेरीज डायरेक्टली विद द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस. अगर स्टिमुलस आपने ज्यादा दिया तो लोकल पोटेंशियल ज्यादा डेवलप करेगा, इट मे अचीव टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेवल एंड एक्शन पोटेंशियल में डेवलप, ठीक है. सो सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग ग्रेडेड पोटेंशियल कैन इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल. अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपने लोकल पोटेंशियल दिया है तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो सकता है. ग्रेडेड पोटेंशियल फिर क्या है? डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आप सुनोगे पूरे फिजियोलॉजी में. देर आर रिसेप्टर पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, क्लोवेव पोटेंशियल, एंड प्लेट पोटेंशियल, पेसमेकर पोटेंशियल, ये सब ग्रेडेड पोटेंशियल है, लोकल पोटेंशियल है ना. सो अभी बताया आपको ग्रेडेड पोटेंशियल, इफ इट इज एक्साइटेटरी गोइंग टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेवल, अगर एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो क्या होगा? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कर, वो एक्साइट करेगा. एंड द ग्रेडेड पोटेंशियल अगर नीचे की तरफ जा रहा है, निगेटिविटी बढ़ रही है लोकल पोटेंशियल में, इट इज कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो ये किधर है, डिपोलेशन की तरफ जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे है ना, निगेटिविटी कम हो रही है तो डिपोलेशन हो गया, नीचे जा रही है तो होगा हाइपर पोलेशन। बोलो सब, ऑल ऑफ यू टेल व्हाट विल हैपन, हाइपर पोलेशन है ना, दिस इज द बेसिक थिंग। सो दिस एक्शन पोटेंशियल है ना, दिस इज द एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ ए नर्व। ये आगे और डिटेल में पढ़ोगे आप एक्शन पोटेंशियल नर्व मसल फिजियोलॉजी में, बट आई एम जस्ट समराइजिंग दिस, गिविंग अ ब्रीफ अबाउट दिस एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, वी हैव डिस्कस, इफ देयर इज इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन इन द सेल मेम्ब्रेन, देयर इज, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लक्चुएशन इन द सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रोपेगेटिंग और विच इज इन मोशन है ना, अगर टच किया तो क्या होगा, ये ट्रेवल करके जा रहा है आपके ब्रेन है ना, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। सो दिस एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसका, इस तरह से आपको इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ होता है। देयर आर डिफरेंट फेजेस, दिस इज द रेस्टिंग स्टेज -70 मिलीवोल्ट आरएमपी होता है ना, देयर आर डिफरेंट फेजेस, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, देयर लैटेंट फेज है ना, बताया था आपको ना, लैटेंट फेज में क्या होता है, द स्टिमुलस इज ट्रैवलिंग है ना, ये क्या हो रहा है लैटेंट पीरियड, दैट इज द स्टिमुलेटिंग डिवाइस है ना और रिकॉर्डिंग डिवाइस, सो लैटेंट पीरियड, देन देयर इज लोकल रेस्पॉन्स, दिस इज द लोकल रेस्पॉन्स, दिस इज द थ्रेशोल्ड है ना, दिस इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट है ना, जब तक यहां पे पहुंचेगा उसके बाद आपको अगला शूट आएगा है ना, सो दिस इज द डिफरेंट फेज, लेटेंट पीरियड, लोकल रेस्पॉन्स, देन दिस इज द डीपोलराइजेशन, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, रैपिड राइजिंग फेज क्या होगा, डीपोलराइजेशन फेज है ना, ये किधर की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, ये टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ, इसकी तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है ना, तो सोडियम जितना इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ अचीव करना जाएगा, इजंट इट, देन ये क्या हो रहा है, ये ओवरशूट का मतलब जीरो से ऊपर चला गया, ये पीक आएगा +35 बट इज नॉट, वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले पोटेशियम चैनल खुल जाता, ओपन हो जाता, सो ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल कॉजेस दिस फेज, इसको क्या उनसे फेज कहते हैं, जो फॉलिंग फेज है उसको क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, वापस आ रहा है ना इधर, सो इट इज रीपोलराइजेशन, ऊपर जा रहा है, इसके दूर जा रहा है, आरएमपी से जब दूर है, दूर जा रहा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ, ये डीपोलराइजेशन हो गया, जो वापस आ रहा है दिस इज रीपोलराइजेशन है ना, ये फायरिंग से जब नीचे जाता है यहां तक, इसके बाद यहां से आरएमपी तक कहते हैं इसको आफ्टर डीपोलराइजेशन, आफ्टर डीपोलराइजेशन, और व्हाट हैपेंस दैट ये इससे भी नीचे चला जाता है, इतना मोशन में होता है पोटेशियम ओपनिंग जब खुला होता है, सम पोटेशियम ज्यादा टाइम के लिए खुला रह जाता है, सो व्हाट हैपेंस दैट ये क्या होता है हाइपर पोटेशियम, थोड़ा सा और ज्यादा निगेटिव चला जाता है ना, उसके बाद वापस आता है ये रेस्टिंग स्टेट। सो देयर आर डिफरेंट फेजेस, कौन कौन से फेज हो गए, लेटेंट फेज, लोकल रेस्पॉन्स, देन देयर इज डीपोलेशन फेज, रीपोलेशन फेज, रीपोलेशन अभी अर्ली रीपोलेशन और लेट रीपोलेशन होता है, देन देयर इज आफ्टर डीपोलेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड देयर इज और ज्यादा पोटेशियम घुल जाता, दैट इज आफ्टर हाइपर पोलेशन, एंड देन कम बैक टू द रेस्टिंग स्टेट। सो व्हाट इज द, ये आपको गेट्स हैं इसमें है ना, ये आपको डिटेल बता देंगे, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो ये जो फेज हो रहा है डिपोलेशन, ये रेस्टिंग स्टेट में है, दिस इज सोडियम चैनल, दिस आर पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल, किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये को ना, सो व्हाट हैपेंस दैट दिस इज अ वोल्टेज गेटेड सोडियम, अगर ध्यान दोगे प्रॉपरली समझ में आएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट हैपेंस दैट दिस इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, इसमें दो गेट्स हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, बाहर वाले को कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट, अंदर वाला क्या है एक्टिवेशन गेट है, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, अंदर वाला बंद रहता है या खुला रहता है ना, इनएक्टिवेशन गेट इज ओपन, दिस इज क्लोज, जब ये एक्टिव हो जाएगा ये तो आरएमपी स्टेट में, जब इसको एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, दोनों खुल जाएंगे एंड सोडियम का इन्फ्लक्स होगा अंदर, इजंट इट, सो बोथ द गेट्स आर ओपन। अब क्या होगा, जब यहां तक पहुंच गया ये तो खुला हुआ है, इस स्टेट में ये हो रहा है ना, ये डिपोलेशन फेज में दिस इज हैपनिंग, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल रहे। अब ये क्या, यहां पे पीक आने के बाद क्या होता है,
पहले बाहर वाला बंद करते हैं, इनएक्टिवेशन गेट इज क्लोज फर्स्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैप्ड सोडियम होंगे वो इसको जाने देगा अंदर, इट विल अलाउ ट्रैप सोडियम इनसाइड. सो पहले बंद होगा बाहर वाला, जब ये बंद हो जाएगा यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो गया, सो एट दिस टाइम पोटेशियम जो चैनल है वो खुल जाएंगे. देखो पोटेशियम खुल गया, जैसे पोटेशियम खुलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर जाना शुरू हो गया. व्हाट इज हैपनिंग, तो पॉजिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगा, इजंट इट. जब पॉजिटिव यहां से क्या हुआ, पॉजिटिव अंदर आया था तो क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज से पहले पोटेशियम सोडियम अंदर गया. व्हाट इज हैपनिंग, नेगेटिविटी इज कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है ना, जीरो की तरफ जा रहा है. तो पॉजिटिविटी सपोज प्लस 30 तक चला गया, 35. अब क्या हुआ, सोडियम चार्ज बंद हो गया, पोटेशियम घुल गया. अब क्या हो गया, पोटेशियम का ई फ्लक्स शुरू होता है, पोटेशियम ई फ्लक्स इज हैपनिंग. तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के चलते अंदर आया था है ना, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर आया था वो वापस जाना है, लेकिन जो जाता है वापस वो पोटेशियम के चलते जाता है. ओके, सो पोटेशियम ई फ्लक्स इज हैपनिंग. पोटेशियम ई फ्लक्स होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होंगे अंदर, निगेटिविटी विल हैपन. सो इस तरह से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा, ये खुलेगा तो क्या होगा, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, ई फ्लक्स होगा एंड वापस ये क्लोज स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा, इट विल ट्राई टू क्लोज डाउन. ठीक है, ये आपको ज्यादा डिटेल में वहां पढ़ाया जाएगा. द लास्ट क्वेश्चन, इफ यू ट्राई, इफ यू कैन सॉल्व इट, इफ यू कैन सॉल्व इट, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ईसीएफ, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. What will happen? Whether it will depolarize or hyperpolarize? अगर पोटेशियम ज्यादा हो गए ECF में, suppose that. How many of you are for hyperpolarize? Raise your hand properly. And how many of you are for depolarize? Raise your hand. Depolarize. Only few of them. Raise your hand, please. You are correct. Okay. Yes, is correct. Why is it so? Why do you think so? Idhar aaja. Come here. You are correct. You correct. Correctly told the answer. Tell me why. Why? It's so simple to understand. The cell will be more excitable. The potassium jyada ho jayega. Cell more excitable hoga ya nahi hoga? इट विल मोर एक्साइटेबल. वाई? अगर पोटेशियम अगर ईसीएफ में ज्यादा हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जो ग्रेडियंट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज लेस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेस है, व्हाट इज हैपनिंग, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर में ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा, निगेटिविटी कम रहेगी. सो इट विल टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेवल है ना, डीपोलराइज जल्दी होगा. ठीक है, सो द एक्साइटेबिलिटी विल इंक्रीज. So that's all.